हाय दोस्तों, तो अभी हम जहाँ रुके हैं वो एयर इंडिया कॉलोनी का जो स्टाफ क्वार्टर है उधर हम रुके, और यहाँ से हम जाने वाले अभी चर्च गेट, एलिफेंटा केव, और पूरा नज़र आपको एक्सप्लोर करेंगे उधर जाके। और यहाँ से शाम तक कुछ स्टेशन रहेंगे और शाम तक कुछ स्टेशन जाने के बाद और हम चर्च गेट के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। तो दोस्तों, हम सवार हो चुके हैं रिक्शे में और ये रिक्शा हमको लेके जाएंगी सांता क्रूज स्टेशन तक, क्योंकि जो सांता क्रूज स्टेशन है यहाँ से नज़दीक पड़ेगा हमको, तो वहाँ जाके हम चर्च गेट के लिए ट्रेन लेंगे और वो ट्रेन रहेगी लोकल, जो मुंबई की जो वेस्टर्न ट्रेन है वो, तो उसमें हम जाएंगे चर्च गेट। उसके बाद हम आपको पूरा नज़ारा जो है वो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम खड़े हैं सांता क्रूज स्टेशन पर ईस्ट पे, और यहाँ से हमारी ट्रेन जो यहाँ से चर्च गेट जाएंगे हम। हमारे साथ जो एक वो गए हैं ट्रेन की टिकट लेने के लिए, वो आएंगे तो उनके साथ हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रेन आ गई, सामने दिख रही है आपको, तो इसमें हम जाएंगे चर्च गेट। आ गए फाइनली हम चर्च गेट स्टेशन पर, और यहाँ से हम पूरा जर्नी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जो बस भी जाती है, टैक्सी भी जाएगी, यहाँ से सब लोग जाते हैं, फोर्ट भी जाएगा और चर्च गेट जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ पे जाएगा। तो फाइनली हमने टैक्सी ले ली और टैक्सी से हम जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। पर पर्सन चार्ज है टैक्सी का 20 रुपया, और इससे हमको ये टैक्सी ड्राइवर उतारेगा गेटवे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये सामने देख सकते हैं आप ओबेरे होटल, बड़ी सी शानदार। गेट ऑफ इंडिया जाते एंट्री में ही बाहर ऐसे स्टॉल दिखेंगे जहाँ 10 रुपया को समोसे और सब कुछ ऐसा नाश्ता मिल जाएगा आपको। हाय दोस्तों, देखो अभी हम आ गए गेट ऑफ इंडिया, और यहाँ का पूरा नज़ारा देख लीजिए आप। यहाँ पे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, बोलेंगे वो। देखिए ये है सॉरी वो मेरा होटल, ये वाले मेरा एक ये आना चाहिए, और जो सामने है वो ताज होटल। जैसे देखिए सामने वो है गेटवे ऑफ इंडिया, जो पूरा मुंबई की शान है, तो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, यहाँ सामने ही बोट दिख रही है आपको, देखिए ये वो सामने दिख रही, वैसे ही बोट में हमको जाना है एलिफेंटा केव, तो हम जाएंगे अभी सीधा टिकट लेने के लिए, तो चलिए टिकट लेते हैं। एलिफेंटा जाना है तो एलिफेंटा के लिए 260 रुपये टिकट है, और क्रूज के ऊपर बैठना है तो अलग से 10 रुपये अलग से चार्ज लगता है। आ रहा है हमारा बोट।
तो दोस्तों नीचे बैठने के नॉर्मल प्राइस है जो है, आपके टिकट लेंगे वो, और ऊपर बैठना है तो आपको 10 रुपया और देना पड़ेगा। जहाँ खुला आपको टेरिस मिलेगा तो वहाँ से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया से बोट पे सवारी होके निकल चुके हैं और जाएंगे सीधा एलिफेंटा और वहाँ जाके आपको एक्सप्लोर करेंगे पूरा नज़ारा। यहाँ आपको नाश्ता करने के लिए और पानी, कोल्ड ड्रिंक्स इसके लिए छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे। दोस्तों यहाँ घूमने के लिए एक और ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन है ट्रेन का, आप ट्रेन से भी घूम सकते हैं यहाँ पे, और ये आइलैंड आप देख सकते हैं ऐसे। यह एक नया देखने को मिला, समुद्र के दो पार्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से तो पत्थर कलर का है, उधर उस साइड ग्रीन कलर का है। गर्मी में 20 रुपया का ठंडा पानी, नींबू पानी। यही है सपनों का आइलैंड, मुंबई का ये आइलैंड है जहाँ एलिफेंटा केव और वो सब है। इधर एलिफेंटा केव भी देख सकते हैं यहाँ पे आके। यहाँ एंट्री गेट से 5 रुपये का टिकट भी लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको एलिफेंटा केव के बाजू जाने को मिलेगा। तो दोस्तों एलिफेंटा केव का सामने का नज़ारा ये देखिए आप, और हमने एक लोकल से पूछा तो उन्होंने बोला कि एलिफेंटा केव 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनी हुई है और इसके अंदर जो स्कल्पचर बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है, वो
शिवजी उनकी है जो काफ़ी पुरानी है, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान दिया है। उससे आगे एक कैनन हिल करके एक साइड सीन है, तो वहाँ जाना है तो 10 मिनट ऊपर और लगेगा, अभी जाके हम आपको और भी दिखा पाएंगे। लेकिन क्या है कि गर्मी बहुत है, आप आना है तो आपको सुबह को 9 से 10 बजे के बीच में आओ, तभी आपको ये सब एक्सप्लोर करने में और मज़ा आएगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है तो हम भी उधर नहीं जा पा रहे हैं, गर्मी बहुत है। तो चलो हमने जिधर ब्रेकफास्ट किया और गन्ना रस पिया वो यही जगह थी, अच्छी सर्विस थी भाई की। हेलो भाई। तो दोस्तों अब हमारा ये एलिफंटा का जो ब्लॉग था यही हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें मुंबई के और प्लेस भी विजिट करने हैं, इसीलिए हमको टाइम कम पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ से जल्दी से निकलते हैं और मिलते हैं अगले स्टॉप पर। तो दोस्तों फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है, अभी सामने दिख रहा है ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।